नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खबर। जी हां, आपके रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। जी हां, आपका रिजल्ट आने ही वाला है, फटाफट तैयार हो जाइए। टॉपर्स का पता चल गया है तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन टॉपर हैं और आपका रिजल्ट कब आने वाला है। दोस्तों आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और चल जल्दी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जी हाँ, ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे न्यूज़ में जानकारी पब्लिश की गई है, इंटर में आर्ट्स व कॉमर्स के टॉपर्स इस वर्ष जिले से होंगे। इंटर में इस वर्ष आर्ट्स व कॉमर्स के टॉपर्स मुजफ्फरपुर जिले से हो सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जिले के एक छात्र व एक छात्रा को साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजा गया है। छात्र आरडीएस कॉलेज का और छात्रा एमडीडीएस कॉलेज की है। जी हां, मामले को लेकर बोर्ड की ओर से डीओ को जानकारी दी गई है। इस आधार पर दोनों कॉलेज को सूचना दे दी गई है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी में दोनों स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए सोमवार को पटना बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इंटर के तैयार रिजल्ट में जिले से दो परीक्षार्थियों की सूची टॉपर लिस्ट में है। इसे देखते हुए बोर्ड ने वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया है। टॉपर्स घोटाला सामने आने के बाद बोर्ड ने टॉपरों को लेकर अपनी परिपाटी को बदल दिया है। जी हां, जिसमें टॉपर लिस्ट में नाम होने पर उन्हें एक्सपर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस दौरान परीक्षार्थी से विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड के विशेषज्ञ छात्र या छात्रा की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट होते हैं, इसके बाद अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों टॉपर्स का पता चल गया कि किस कॉलेज से हैं टॉपर्स। नाम तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द नाम बताया जाएगा। दोस्तों देखिए न्यूज़ में जानकारी पब्लिश की गई है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार, जल्द प्रकाशित होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि आपका रिजल्ट 31 मार्च तक आ जाएगा।